Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti. I am research scholar at IIT Bombay. तो इस चैनल पे हम पीएचडी के एडमिशन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप यहाँ पे सारे जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में देख सकते हो, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी देख सकते हो. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हो या फिर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो. मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जोधपुर के बारे में. तो आईआईटी जोधपुर की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो कि साल में दो बार इन्वाइट करते हैं. तो आप यहाँ पर रोलिंग एडवर्टाइजमेंट देख ही सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू एमटेक एंड पीएचडी ड्यूअल डिग्री और एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी. तो उसमें हम क्लिक कर देते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन ओपन हो जाता है. यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो. तो यहाँ पे एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दी हुई है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू आउट द ईयर होता है, सेमेस्टर में दो बार होता है. तो सेमेस्टर वन में 20 अप्रैल लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने की और सेमेस्टर टू में 20 अक्टूबर लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन करने की. और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद मिलेगी वो 25 अप्रैल को मिलेगी और जो भी सेमेस्टर टू में है वो 25 अक्टूबर को मिलेगी. और रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू को आपको कंसल्ट किया जाएगा. और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंशन किए हैं. तो कुछ भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. तो अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं. तो आपको फर्स्टली यहाँ पे एडमिशन सेक्शन पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे फर्स्टली तो हम प्रोग्राम डिटेल देख लेते हैं, बाद में एलिजिबिलिटी देखेंगे. तो यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल के बारे में देखते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम इन साइंस में, जैसे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और इंजीनियरिंग साइंसेस में बायो साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल, केमिकल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है. और इंटरडिसिप्लिनरी में रोबोटिक्स, मोबिलिटी, साइंस एंड इंटेलिजेंट, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, IoT एंड अप्लीकेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस और मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में है. तो आप यहाँ पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको सुटेबल लगता है वहाँ पे. फिर आता है एडमिशन एलिजिबिलिटी के लिए. आपको एडमिशन में फिर से यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे डिटेल एलिजिबिलिटी दी हुई है, जैसे यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर, एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए जाते हैं. तो फर्स्टली हम रेगुलर कैंडिडेट का चेक करेंगे. तो यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट एडमिटेड इन दिस कैटेगरी, उन्होंने कभी भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होने चाहिए कोई भी अदर एकेडमिक्स में और अब्रॉड में, और उनका फुल टाइम और पार्ट टाइम कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए इंडिया में और अब्रॉड में. और एप्लीकेंट जो है मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर साइंस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और मैनेजमेंट में होना चाहिए विथ 60% मार्क्स, ठीक है. और वो फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC के लिए, और 55% फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए. और फिर द एप्लीकेंट मस्ट हैविंग MBBS, MD/MS, BBSC और MBSC डिग्री, उनको भी 60% मार्क्स होने चाहिए और 55% SC/ST कैंडिडेट के लिए. और द एप्लीकेंट मस्ट हैव बैचलर डिग्री, मिनिमम 4 ईयर का होना चाहिए विथ साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी और एग्रीकल्चर साइंस और वेटरनरी साइंस विथ इक्विवेलेंट 70% मार्क्स और 7.5 CGPA और 65% मार्क फॉर द SC/ST कैंडिडेट. 5% रिलैक्सेशन होता है तो वो दिया हुआ है. फिर यहाँ पे PhD प्रोग्राम फॉर द स्पॉन्सर और एक्सटर्नल और पार्ट टाइम के लिए जो है, तो उन्होंने भी कहीं पे भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होना चाहिए और उनका भी मास्टर डिग्री ये सब तो सेम ही है, MBBS का भी डिग्री सेम है, बैचलर के लिए भी सेम ही है. पर यहाँ पे और एक्स्ट्रा दो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एप्लीकेंट मस्ट हैव मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस
in industry, R&D lab or academic institution, and the applicant must qualify the written test interview conducted by IIT Jodhpur. तो उन्होंने written test और interview qualify करना चाहिए तभी उनका sponsor external और part time में selection होगा. फिर PhD program जो है Indian national residing abroad and foreign national के लिए, तो जो भी इंडिया के स्टूडेंट बाहर जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए और फॉरेन नेशनल के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है. उसके बाद हम यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो यहाँ पे सारा फ़ी स्ट्रक्चर उन्होंने मेंशन किया है कि 2022-23 में कितना फ़ीस होगा. तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी तो हॉस्टेलर के लिए डे स्कॉलर के लिए डिफरेंट होगा, और यहाँ पे सेमेस्टर फ़ी हॉस्टेलर और डे स्कॉलर के लिए डिफरेंट होगा. 7,250 जो है वो हॉस्टेलर्स अगर रह रहे हैं तो उनके लिए 7,250 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे, बाकी सब सेम होगा. फिर यहाँ पे उन्होंने जो भी रेगुलर स्पॉन्सर और एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए जितना भी ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो आप ये चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अप्लीकेशन कर रहे हो उस हिसाब से आप अप्लीकेशन के लिए फ़ीस पे कर सकते हो. और जो ST कैंडिडेट है वो उनको ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ की हुई है. ठीक है, फिर हम एडमिशन में जाके यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स भी चेक कर लेते हैं. तो वो हमने पहले डिस्कस किया कि थ्रू आउट द ईयर वो अप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो और लास्ट डेट जो है अप्लीकेशन करने की वो 20 अप्रैल है, उससे पहले आपको अप्लीकेशन करना है. फिर यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको ये लिंक इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे जाके आपको अप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा. तो ये लिंक जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रहती है जब अप्लीकेशन इन्वाइट किए जाते हैं, वो टाइम पे एक्टिवेट की जाती है और उसी टाइम आप अप्लीकेशन फिल कर सकते हो. और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका एक कॉपी और गेट स्कोर कार्ड वो लाना है एट द टाइम ऑफ रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू. और जो अप्लीकेशन फ़ी है वो है 300 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट और 150 रुपीज़ है SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए. तो अभी हम अप्लीकेशन ओपन कर देते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए. तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन हो चुके हैं. तो फर्स्टली आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किसके लिए, PhD के लिए कर रहे हैं तो PhD के लिए, डिपार्टमेंट आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो उस हिसाब से, फिर कैटेगरी कौन सी है उस हिसाब से आप डाल सकते हो, फिर एडमिशन टाइप फुल टाइम एक्सटर्नल रेगुलर स्पॉन्सर उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, कैंडिडेट फर्स्ट नेम और कैंडिडेट मिडल नेम और आपका लास्ट नेम डाल के साइनअप कर गए. और साइनअप करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा. यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो डालेंगे उससे आप लॉगिन करोगे. ठीक है, तो याद रखिए है कि 17 अप्रैल से पहले आपको अप्लीकेशन फिल करना है. तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.